नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में। और स्टूडियो में अपना कीमती समय देते हुए आप सभी के रोगों को मुक्त कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी, अगर किसी को हो जाती है तो जान लेकर ही छोड़ती है। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी रोग से ग्रसित हैं या किसी बीमारी का इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है तो देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए बात करते हैं हम स्वामी जी से हेपेटाइटिस के बारे में। स्वामी जी, आज हमारा अहम टॉपिक है हेपेटाइटिस जी। तो मैं सर्वप्रथम आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या, विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, हेपेटाइटिस एक तरीके से बहुत ही असाध्य रोगों में गिना जाता है और जिसकी शुरुआत आपको ये ध्यान में रख के चलें कि बहुत ही साधारण साधारण चीजों से होती है। ठीक है जी, आपको ये बता दें कि जैसे अम्लीय पानी हो गया, क्षारीय पानी हो गया या गंदा खान पान हो गया, इससे भी हो जाता है। या कई बार इसी को हम ज्वाइंटिस कह सकते हैं, हरियाणा और कुछ क्षेत्रों में इसी को मोतीझार भी कहा गया है। हेपेटाइटिस तीन होता है, ए बी सी। ए और बी क्योरेबल है लेकिन सी कंट्रोल में नहीं आता है। उसके वायरल कोई भी डॉक्टर मेडिसिन दे के नॉट डिटेक्टेड रेंज में रख सकता है लेकिन बाद में वो रीजनरेट होता है। अगर हमें इससे बचना, जैसे कई चीज़ों पे बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है, हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक बुखार रह गया तो हमारा फ्लैट रेट कम हो जाता है, बोन म्यूरोज वीक हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो धीरे धीरे करके हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है जी। और जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका साइड इफेक्ट हमारी किडनी पर भी चला जाता है, बहुत सारे उस पर परेशानियाँ आती हैं और उसके बाद फिर आदमी का बचना ही मुश्किल हो जाता है अगर सही समय पर उसका इलाज ना हो जी। स्वामी जी, मैं जानना चाहूंगी कि हेपेटाइटिस कब होता है या यूं कहें कि किस तरीके से हो जाता है या हम क्या करते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस का पूरा जो रिलेशन लीवर से ही है जी जी। अब लीवर में आपको हेपेटाइटिस हुआ है तो जैसे अब मैंने आपको बताया ना एक छोटा सा सिम्टम्स की, जैसे किसी भी तरीके का फीवर है, कई बार छोटे मोटे डॉक्टरों की लापरवाही से भी हो जाता है। किसी भी थेरेपी में अगर मान लीजिए किसी को बुखार है, फीवर है, कोई भी टाइफाइड है, तो उसको ड्रिप्स नहीं चढ़ानी चाहिए। और आज के डॉक्टर्स तुरंत वही करते हैं, पहले ड्रिप्स चढ़ा देते हैं, धीरे धीरे वो हो गया, उसके अंदर हाई प्रोटेंसी के इंजेक्शन डाल देते हैं, फिर वही चीज हो गई। आप मान लीजिए कि आपने ज्यादा समय तक बुखार चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, आपका फ्लैट रेट डाउन होने लगा, यूरिक एसिड बढ़ने लगी, लैक्टिक एसिड बढ़ने लगी, एचबी डाउन होने लगा, बोन म्यूरो कम हो गया। अब ये हो गया ज्वाइंटिस, यानी हम जिसे हिंदी में कह सकते हैं पीलिया। पीलिया में आपके पूरे शरीर का पीला पड़ जाना होता है बोलते हैं। और इसी में अगर हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है अगर मान लीजिए, तो वो अनक्योरेबल है। ठीक है जी। स्वामी जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है स्वामी जी संपर्क टूट गया हमारा। स्वामी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, तो ऐसा ये वायरस जो है, एक तरीके से वायरस ही कहेंगे, ये हमारे शरीर में कब आ जाता है? देखिए, नियम से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए जो होता है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के आउटसाइड में होता है जी जी जी, और आरएनए इसके इनसाइड में होता है जी। ये वो वायरस है जो हमारे शरीर में हमारी प्रतिकार शक्ति WBC के सेल्स को खत्म करता है जी। और नियमता ये तभी डिटेक्ट करता है जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है। इम्यूनिटी पावर कब कम होती है? जब हमें लगातार फीवर बना रहता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो 5 साल 4 साल 3 साल के बच्चे में कई बार तो ऐसा होता है,
कई बार तो ऐसा होता है प्रिया जी कि आप ये मान करके चलिए कि 3 महीने का बच्चा है, उसको भी ये हेपेटाइटिस बी हो जाता है। अब उसे कहां से आया? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी है या उसके मुंह में गंदा पानी चला गया, उसके इन्फेक्शन को डॉक्टर्स नहीं रोक पाए और वो धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ने के बाद उसने हेपेटाइटिस बी का रूप धारण कर। स्वामी जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। स्वामी जी लगता है संपर्क टूट गया। जी बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शेखर है जी। कहाँ से बोल रहे हैं दयानंद जी? जी मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। दयानंद जी सबसे पहले आपको बोलना चाहेंगे टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वरना आपका कनेक्शन टूट सकता है। हेलो। हाँ जी बताएं। मैं नागपुर से बोल रही हूँ जी। मेरा नाम है मीना मंथा तिरवार जी। अपनी समस्या बताएं। अंकल अर्जुन स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस। हाँ जी बताए। उसके लिए है क्या आपके पास दवा? बहन जी स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस दोनों डिफरेंट होते हैं। माना कि जब स्पाइन कोड होता है, स्पॉन्डिलाइसिस होता है, जैसे L4 में है, L5 में है, C में है या D में, तो उस समय वात की शुरुआत हो जाती है और हमारे शरीर के जो कुछ अंतरांग हैं वो उल्टा विरोधी कार्य करना चालू कर देते हैं। तो इसका हमारे यहाँ पर निदान हो जाएगा, आपको दवाइयां मंगानी पड़ेंगी और थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। स्वामी जी कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसा है कि आप है ना गद्दे पे सोना छोड़ दें, वजन उठाना छोड़ दें और डिप्रेशन फ्री हो जाएं, वातवर्धक चीजों का खान पान छोड़ दें, आपको इससे निजात मिलेगी। और दवा मंगा लीजिए आप, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की मेडिसिन आपको 5 से 6 महीने लेनी पड़ेगी जी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी रोग से जुड़ी हुई समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर आप स्वामी जी से पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से बात करना चाहते हैं तो डायल कीजिए वो नंबर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप स्वामी जी के केंद्र पर जाकर भी उनसे संपर्क साध सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपने रोग को दूर कर सकते हैं। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। अवधेश कुमार बोल रहा हूँ नोएडा से जी। अपनी समस्या बताएं। समस्या ये है, हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है जी। पहले बुखार आया था जी। अवधेश जी कितने समय तक आपको बुखार था? बुखार आया था करीब 10 या 12 दिन। उस समय आपने फ्लैट रेट वगैरह चेक किया था तो क्या कंडीशन थी? कम हुआ था या ज्यादा हुआ था? कम हो गया था। कितना था ये? मैंने दवाई ली थी और डॉक्टर से हाँ प्लेटलेट चेक की थी, वो नॉर्मल थी। देखिए ऐसा है कि ये जो बुखार है ना ये दोबारा हो सकता है और हाथ पैर में जो अकड़न या दर्द है ना ये चीज आप ध्यान में, इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर्स है, अगर आप वहाँ से मंगाएं तो आप ले। हेलो, इसमें विटामिन डी की कमी बताइए। देखिए सर ऐसा है कि कभी भी है ना आपके फ्लैट रेट और ये जब कम होते हैं तो आपकी विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बाकी चीजों की कमी होती है। इसके लिए आप हमारी फार्मेसी से नंबरों पे फोन करके सिर्फ ब्रह्मांड गुड़वेल पाउडर, ब्रह्मांड चिरायता, ब्रह्मांड मूसली और ब्रह्मांड दर्द नाशक तेल मंगा लीजिए, 2 महीना सेवन कर लीजिए, भविष्य में आपको बुखार आएगा नहीं कभी और ये सारी जो विटामिन्स की कमी है ये सब कवर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त हो गया होगा। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलेज जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आरोग्य ब्रह्मांड में, अपना नाम बताएं। प्रमोद कुमार सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हैं प्रमोद जी? जमशेदपुर से जी। अपनी समस्या बताएं। हेपेटाइटिस बी। अच्छा सर, आप ये बताइए प्रमोद जी आपका वायरल लोड कितना है? वायरल लोड एक मिनट बता रहे हैं। अब देखिए आपका वायरल लोड कितना है?
हम बता रहे हैं, एक मिनट एक मिनट। अच्छा जी। चलिए देखिए, आप अगर आपको ज्यादा विलम्ब हो तो बाद में भी फोन कर सकते हैं, मैं आपसे खुद बात कर लूंगा, क्योंकि आज समय का अभाव रहता है, दूसरे लोग भी प्रतीक्षा में होते हैं। और आप देख लीजिए वायरल लोड आपका कितना है, नॉट डिटेक्टेड है या रेंज में है, रेंज आप डिटेक्शन में है, हमें इससे निगेटिव होने के लिए चाहिए इक्वल माइनस वन इंडेक्स, और बाद में 110% अगर कोई प्रॉब्लम है मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको नॉट डिटेक्टेड निगेटिव हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट कैसे आए ऐसी मेडिसिन भी दूंगा, थोड़ा आपका परहेज करना और आपका मुझे सहयोग करना जरूर रहेगा जी। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉल कर रहे हैं हमें और आपको कोई रोग है तो उसकी रिपोर्ट अपने पास रखें, क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का समय होता है आपकी कॉल लेने का, आपके रोगों से संबंधित बातों को बताने का, तो अपनी रिपोर्ट्स अपने साथ रखें। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जी, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भरत जोशी है जी। कहाँ से बोल रहे हैं भरत जी? मैं गुलबर्गा से बोल रहा हूँ जी। अपनी समस्या बताएं स्वामी जी को। वही मेरा बाएं घुटने में। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। बाएं घुटने में दर्द रहता है। और मेरा मेरी उम्र है 47 साल है जी। जी, आपकी ऊंचाई कितनी है और शरीर का वजन कितना है? मेरी ऊंचाई 5'5" है। और वजन? वजन अभी मेरा 70 किलो है, 70। चलिए ठीक है, वजन का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपके घुटने के नीचे एक तो ये वात के लक्षण है जिसे हम गठिया वात कह सकते हैं, दूसरा घुटने के नीचे जो लिगामेंट और कार्टिलाज है वो घिसे हुए नजर आ रहे हैं। आप एक काम करिए, पहले हमारे यहाँ से 1 महीने की आर्थराइटिस फ्री किट मंगवा लीजिए, उसके बाद एक एक्सरे निकालिए उसका और उसके साथ आकर के मिलिए, आपको 100% निदान मिलेगा। प्रमोद जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके रोग से संबंधित निदान अवश्य ही प्राप्त हो गया होगा। अगर आप और विस्तार रूप से स्वामी जी से बात करना चाहते हैं तो कॉल करें हमें उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप स्वामी जी से उनके केंद्र में जाकर भी मिल सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, अगर आपकी भी है कोई समस्या और पाना चाहते हैं उसका समाधान, तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए वो नंबर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सूरत से बोल रहा हूँ, नंदलाल नाम है मेरा जी। नंदलाल जी, अपनी समस्या बताएं। मेरा समस्या है कि मेरे स्वामी जी से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी स्वामी जी, सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे मैं खाना खा लेता हूँ तो कभी कभी मेरे क्या है कि दिन में मरोड़ आता है और 2-3 बार मरोड़ आता है, आदत हो जाती है, मतलब पाचन शक्ति है क्या कमजोरी है? चलिए ठीक है, हाँ मैं समझ चुका हूँ आपकी समस्याओं को। आप है ना, स्क्रीन पे लगे हुए जो नंबर्स हैं इस पे फोन करके डाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किट मंगवा लीजिए, और मेरा एक निवेदन रहेगा कि एक बार परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो LFT और KFT टेस्ट रिपोर्ट के साथ आप हमको मिलिए, तो ज्यादा से, क्योंकि जब तक हम बीमारी के कारण को नहीं समझेंगे उसका निदान अधूरा होता है। अभी फिलहाल में 1 महीने की आप दवाइयां मंगवा लीजिए, उससे आपको क्या इंप्रूवमेंट मिलता है, और उसके बाद में आप LFT और KFT टेस्ट करके दोबारा हमसे संपर्क कर लीजिए। स्वामी जी, तो हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, हम किस तरह से ये जान लें कि हेपेटाइटिस हमें हो गया है या हम इसका शिकार होने वाले हैं? देखिए, कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसे आप नहीं जान सकते जी, जी। और इंसान की एक वृत्ति है कि जो जानता है तो मानता नहीं, और उसे समझाने की कोशिश करो तो आपका तिरस्कार कर देता है जी। इन सारे लीवर इन्फेक्शन के लिए, जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपको जो डकार आता है ना उसमें गंदी स्मेल आनी चालू हो जाती है, कई बार आप बैठे हैं गंदी स्मेल आपके मुंह से आनी चालू हो जाएगी, डाइजेशन क्लियर नहीं रहेगा, वेट लॉस होने लगेगा, पिंडलियों में अकड़न आ लगेगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम उसको लाइटली लेते हैं। चलो यार, कल बैगन खाया था ना, वातवर्धक कुछ खाने में अनबैलेंस होगा, हम उसको लाइटली लेते हैं। इसलिए कभी भी इस शरीर के प्रति छोटा से छोटा रोग, कोई भी अगर सिम्टम्स दे तो लाइट मत ले, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं होता।
स्वामी जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। लगता है संपर्क टूट गया। स्वामी जी, हेपेटाइटिस का एक लक्षण माना जाता है पीलिया, ठीक, ये पीलिया किस कमी से होता है और ये बताएं हमारे। पीलिया लक्षण नहीं है, पीलिया डिजीज है, जॉइंटिस कहते हैं उसको। जॉइंटिस और हेपेटाइटिस में बहुत डिफरेंट है। जॉइंटिस मान लीजिए किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा दिन बुखार रह गया है, वाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर डेंगू हो गया है, तो इसका भी एंड जॉइंटिस पे ही होता है, फ्लेटलेट डाउन हो गया। और हेपेटाइट जॉइंटिस क्योरेबल हो जाती है ये भी, लेकिन हेपेटाइटिस भी क्योरेबल आयुर्वेद को छोड़कर और कहीं है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड ही है, ज्यादा दिन तक लगातार टाइफाइड हो गया, तो हड्डियों में बुखार हो गया, बोन टाइफाइड हो गया, ब्रेन तक टकरा गया, इनकेफेलाइटिस हो गया। जहां भी जिस भी डिजीज से अगर आपके WBC यानी फ्लेटरेट कम होता है, ह्यूमिनिटी पावर डिफेंसी खत्म होती है, उसके बाद का दूसरा चैप्टर ही होता है, जैसे उल्टी आने लगेगी, लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर हाइपरटेंसी की मेडिसिन दी है तो लीवर में छाले भी आ जाएंगे, अल्सर के भी सिम्टम्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें वहां जाकर के रुक जाती हैं और वो जॉइंटिस कहलाता है। कुछ लोग मराठी में हमारे सफेद कावड़ बोलते हैं, कोई पीला कावड़ बोलते हैं इसको। बाकी हेपेटाइटिस बी को हम कहीं ना कहीं कैंसर के समान बीमारी से तुलना की जाती है, और जॉइंटिस मतलब जो है पीलिया है, पीलिया का तो नॉर्मल सा इलाज है। मैं बताया करता हूं कि 10 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक की दवा लगती है उसमें, और निर्भर है कि सामने वाला क्या कर सकते हैं। अगर किसी का विश्वास है तो 10 रुपये की चीज में भी ठीक हो जाता है, और किसी का विश्वास नहीं है तो 1 लाख रुपये की चीज दे करके भी उसका निदान नहीं होता है। जॉइंटिस का कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत नॉर्मल बीमारी है। स्वामी जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। डॉक्टर वेद प्रकाश राय, इलाहाबाद UP से बोल रहा हूँ। जी बोलिए डॉक्टर साहब। मुझे दिक्कत ये कि मुझे डायबिटिक है और मेडिसिन लेने के बाद भी मेरी डायबिटिक कम नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी PP और फास्टिंग दोनों क्या है? इस समय मेरी PP और फास्टिंग 390-581 है। अच्छा, आपका टाइप 2 है या टाइप 1 है? टाइप 2 है। टाइप 2 है आपका, सेल्फ क्रिएटेड। अभी आप मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं जी? मैं MP2 ले रहा हूँ और कोवाडेक्स ले रहा हूँ। कितना MG? मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब चलिए छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि ये पेनक्रियाज से है ना, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और 18 बात रोगे मधुमेह त्रयोदशा, हर्बल में ही इसका निदान है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से डायबिटीज किट मंगवा लें, और नॉर्मली आपको ट्राई करना है, क्योंकि आप थेरेपी से हैं, तो मैं आपको ऐसे बता दूं, आम्रवेल होता है ना जो हमारे नीम के आंवले के पेड़ पे हो जाता है पीला पीला पतला सा, उसको कूट कर उसका 10 ml अर्क सुबह और शाम लेना चालू कीजिए, आपका डायबिटीज मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपके लीवर में जो है ना डाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम है, आप थोड़ा डिप्रेशन फ्री हो जाइए, समय से खाना समय से सोना रखिए, तनाव मुक्त जीवन कीजिए, क्योंकि जहां तक मैंने आयुर्वेद रत्न किया है, मैंने भी CPMT की है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो ये सेल्फ क्रिएटेड है। अगर हम अपनी दैनिक क्रियाओं पे आहार विहार सहन और दिनचर्या को कंट्रोल कर लें तो टाइप 2 डायबिटीज 30% अपने आप नॉर्मल हो जाती है। बाकी शो के बाद आप मुझसे फोन कर सकते हैं या हमारे यहाँ से डायबिटीज किट मंगवा लीजिए। डॉक्टर साहब हम आशा करते हैं कि आपको आपकी डायबिटीज से जुड़ा सवाल जो आपने स्वामी जी से पूछा है उसका समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आप विस्तार पूर्वक स्वामी जी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनके केंद्र पर जा सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो लगातार आपके TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अनिल जी हरियाणा से। जी अपनी समस्या बताएं। हेलो। हाँ जी बोलिए। आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं बताएं स्वामी जी को? हरियाणा से। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बीमारी बताइए अनिल जी, क्या सेवा करें? मेरे इड्डी में दर्द है जी। हाँ जी, मेरे पैर में इड्डी में दर्द है जी। कब से है जी? ये 1 महीना हो लिया जी। अच्छा, कहीं चलते फिरते एक बार उसमें कंकर वगैरह तो नहीं चुभ गया? ना ना कुछ नहीं, वैसे दुखते जी। तेल की, सरसों तेल की मालिश की थी, मोम के साथ सिकाई की थी। ऐसा है कि आप एक काम करो, गुड़गांव में ही हमारा सेंटर है, वहाँ आ जाओ
और वहां से आप है ना ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल लेकर के चले जाओ, उससे मालिश करना और खाने के लिए कुछ चीजें देंगे, एक महीने में रिलीव हो जाएगा। और ऐसा नहीं तो इसकी एक एक्सरे देख लेंगे हम कि कई बार हड्डी एड़ी की बढ़ने लगती है तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, या अचानक चलने में नीचे ऊपर हो जाता है तो भी होते हैं, कई बार डीग हो जाती तो भी होते हैं। तो एक बार मुझे आकर के दिखा भी दो और आप दवा भी ले जाओ, अब तीनों में से कोई भी रीजन होगा बड़ी आसानी से आपका इलाज हो जाएगा, और आपका इलाज कोई महंगा नहीं है, मुश्किल से 100-200 रुपए की ही मेडिसिन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी समय निकालना पड़ेगा अनिल जी आपको। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी अम्बाला से। जी समस्या बताएं अपनी। समस्या ये है जी कि मेरी को शुगर है 28 साल से जी, लेकिन शुगर कंट्रोल चल रही है, गोड़ों से नीचे टांगे पैर हाथ बाजू जो है वो सुन्न हो गए हैं जी, तो उसके बारे में जानना चाह रहा था, और ताकत नहीं है शरीर में। भाई जी ऐसा है कि शुगर उनकी कंट्रोल में है, हाथ यहाँ घुटने से नीचे कमर के नीचे शून्य हो गया है, हाथ पैर में ताकत नहीं है, यही है ना आपका समस्या? हेलो, पूरे शरीर में ताकत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार उनको मुझे दिखवा दीजिए, है ना, क्योंकि ये जो मैटर आप बता रही है ब्रेन रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का अभाव है, और हमारे जो हार्मोन्स पॉइंट इम्यूनिटी पावर डिफिशेंसी को जनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड में स्लोड है या ब्रेन में क्लॉट्स है, ये चीजें डायबिटीज कम या ज्यादा, कई चीजें ऐसी होती है प्रिया जी नॉर्मली, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमारी डायबिटीज बढ़ गई या कम हो गई, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, या हम डायबिटिक पेशेंट है सफरिंग कर रहे हैं, कोई घटना घट गई गड़बड़ा गए तो हमको लगता है कि हम नॉर्मल हो गए, लेकिन जब वो ज्यादा होता है या कम होता है तो हमारे ब्रेन पर वो एक असर छोड़ करके जाता है, जो जल्दी से जल्दी किसी डायग्नोसिस रिपोर्ट में नहीं आता और हम उसे ढूंढते रह जाते हैं। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे पास आकर के एक बार दिखाना है, मुश्किल से 1000 या 500 रुपए की जो भी मेडिसिन लगेगी वो देना है, 2 महीने में बिल्कुल ओके हो जाएंगे। और डायबिटीज के लिए इन्होंने जो और दूसरी दवाइयां ली हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, हर्बल की दवाइयां इनको 8-7 महीना डायबिटीज की लेनी पड़ेगी, पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा। स्वामी जी आप इतने आसानी से सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, लोग जिनको ये इसका फल मिल रहा है और उनके रोग दूर हो रहे हैं वो आपको बहुत 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 मानने लगे होंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। स्वामी जी सादर प्रणाम, मैं शकील खान गोपाल जी, अपनी समस्या बताएं। मुझे डायबिटीज है 2008 हाँ जी, और अगर कम नहीं हो रही है, एक तो 21 खाना खाने के पहले रहती है और 218 खाना खाने के बाद। जी जी सर, आपको 2008 से डायबिटीज आपकी कम नहीं हो रही है, हाँ? दवा क्या ले रहे हैं आप? मैं ट्राई जीपीएम 2 खाता हूँ खाना खाने के पहले सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कोई नशा ड्रिंक वगैरह? नहीं सर, मैं ये दूर हुई थी। ओके, तो बस आपको डाइजेशन को पहले क्लियर करना। आपको एक छोटा सा चीज बताएंगे हम प्रिया जी, दर्शक हमारे साथ हैं जी। आज तक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या पूरे वर्ल्ड की कोई भी रिसर्च सेंटर हो या कमेटी हो, कोई भी डायबिटीज की दवा देता ही नहीं है जी। वो हमें देते क्या है, सिर्फ इंसुलिन, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में दे या फिर इंजेक्शन फॉर्म में। हम इतने कॉन्फिडेंस में जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पाप को नहीं पाप के कारण को देखा है कि डायबिटीज होती कैसे है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम उसका निदान नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। डायबिटीज होने का मूल कारण यह है कि हमारी जठराग्नि मंदाग्नि बढ़ जाती है, मल सूख के हाथों में चिपक जाता है, पेनक्रियाज हमारा डिस्टर्ब होता है, या तो बहुत ज्यादा इंसुलिन डेवलप करता है या तो बिल्कुल नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी ब्रह्मांड में हा पाचक जो हम दे, ब्रह्मांड में हा जो पाउडर हमारा आता है वो डायबिटीज के लिए आता है, ब्रह्मांड पाचक का जो कॉम्बिनेशन है वो डाइजेशन को क्लियर करता है, क्योंकि जब तक आपका डाइजेशन क्लियर नहीं होगा, पेनक्रियाज सक्रिय नहीं होगा, और वास्तव में तब तक आपको डायबिटीज से निदान मिल ही नहीं सकता। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरी कम्युनिटी और परिवार को ब्रेक करके रख देती है। जैसे डायबिटीज होता है सबसे पहले उस इंसान की यवन शक्ति छीण हो जाती है, उसके नेत्रों पर असर पड़ने लगता है, उसके पैर में जलन होने लगता है, उसके पिंडलियों में अकड़न आने लगती है, और मे भी अगर किसी को डायबिटिक कोमा हो गया तो बस गॉड गिफ्टेड ही बच सकता है,
बाकी और पेशेंट को तो हम कोमा से बाहर भी ला सकते हैं जी जी। इसलिए हमारी दवाओं का प्रयोग करिए आप, और साथ में आप है ना 4 से 5 बेल के पत्ते, 4 से 5 जामुन के पत्ते, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच देसी करेला और 1/2 कप गोमूत्र, इसको मिला करके आप अर्क बना लीजिए और रोज 20 ml सुबह 20 ml शाम को लेते रहेंगे आप, तो आपको काफी आराम मिल जाएगा। जब तक आप दवा नहीं मंगा पा रहे हो तब तक इसका सेवन करो। स्वामी जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। हाँ, मैं गीता शाह बोल रही हूँ पूना से। जी अपनी समस्या बताएं स्वामी जी को। मेरी समस्या ये है कि मैं हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हूँ जी। मेरी काउंटिंग है 2.50 हेपेटाइटिस बी का और वायरस नेगेटिव हूँ। मैं समझा नहीं आपकी बात का, आपका 2.5 रेंज है और वायरल नॉट नेगेटिव आया वायरल लोड। हाँ नेगेटिव आया है वायरस। तो आपके लिए इससे पहले आपने कहाँ से कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं? कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं 70 से ओके हूँ, मुझे कुछ भी सर्दी जुकाम भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं हुई आज तक प्रॉब्लम। नीतू जी ऐसा है कि जिस जगह पर आप हैं ये कहीं घबराने की व्यवस्था ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको खान पान पे ही नियंत्रण रखने की जरूरत है। निगेटिव हैं आप है ना, और आपकी रेंज ऑफ डिटेक्शन से नीचे के वायरस काउंट बता रहे हैं, तो आप एक तो ज्यादातर गर्म पानी पिया करो, थोड़ा सा खान पान में थोड़ा सा भारी चीजें गर्म मसाला इनको अवॉइड किया करो है जी, और थोड़ा सा तनाव मुक्त रहा करो, क्योंकि जो स्थिति आपकी है, क्योंकि अब आप जहां भी जाएंगे अगला लैब टेस्ट करेगा फिर वो बोलेगा ये विंडो पीरियड है, आगे रीजेनरेट हो सकता है, और इसी को अगर आप मेंटेन करते रहेंगे तो आपको किसी भी दवा की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खान पान पे संभालते रहे। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है कि जी आप आओ और दवा ले जाओ जी, हमें तो दिल की दुआ की जरूरत है, दौलत क्या करेंगे हम सन्यासी आदमी जी। ठीक जी स्वामी जी, ये तो हो गई सभी दर्शकों की समस्या, मेरे जहन में एक सवाल है आपसे पूछना चाहूंगी। जैसा कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है, आप कहते हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है जी, ठीक, तो क्या आप गारंटीड लेते हैं कि हेपेटाइटिस के शिकार रोगी को आप निरोगी बना देंगे? बनाया है और बना भी देंगे। किस तरीके से? देखिए सबसे पहले हमें तन और प्राण की तरीके से सहयोग की जरूरत है। मैं एक छोटा सा बात आपको समझाना चाहूंगा, सारे लोग देख रहे हैं, WHO को भी चैलेंज करके समझाना चाहूंगा, आयुर्वेद को चैलेंज देने वाला कोई इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ है जी। निर्भर है कि वो उसको जानने वाला हो सही तरीके से। अब आपसे ही एग्जांपल का मैं प्रश्न का उत्तर लूंगा जी। एलोपैथ कहता है कि हेपेटाइटिस का इलाज नहीं है जी, बिल्कुल ओके जी। लेकिन मैं उसको कहता हूं कि अगर आज किसी हेपेटाइटिस पेशेंट का वायरस 70,000 है जी, और 3 महीने में वो इक्वल माइनस इंडेक्स या 0.5 या 0.500 या 1000 आ गया, तो जब हम 74,000 को डेड कर सकते हैं तो हम 1000 को क्यों नहीं मार सकते? मुझे मेरे कर्म पे भरोसा है, परमात्मा की दी हुई प्राकृतिक वनस्पति पे भरोसा है, प्रोडक्ट की शुद्धता पे भरोसा है, और उससे ज्यादा जो रोगी आता है, मेरा एक नेचर है, मैं जब काम करता हूँ मैं इतना बड़ा संत होते हुए मैं खुद मालिश करता हूँ, खुद फिजियो स्पेशलिस्ट भी हूं मैं, आज आपको बता दूं बाहर से सीखा हुआ है, लेकिन मैं कभी भी अगर एक कन्या आती है तो मैं समझता हूं ये मेरी सगी बहन है, वो हिसाब से उसकी सेवा करता हूं, और एक वृद्ध है वो मेरी रियल मदर है, इस हिसाब से सेवा करता हूं, और मेरे जीवन का तो स्लोगन ही है यार कि सेवा समर्पण सहयोग जीवन के 3 योग, और लोग बेनिफिट और लॉस की बात करते हैं तो मेरा एक ही स्लोगन है कि माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। क्या बात है स्वामी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने हमारे दर्शकों को हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी से रूबरू कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों हम रोगी होते हैं लेकिन उसका कारण नहीं ढूंढते, हम चाहते हैं कि हम निरोगी भी हो जाएं लेकिन कुछ करना ना पड़े। आप अगर ऐसा ही चाहते हैं तो हम आपको एक सलाह देते हैं, आप फोन उठाइए, कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आपका रोग झट से दूर हो जाएगा। पेशेंस रखना जरूरी है पर स्वामी जी दावा करते हैं कि वो आपको रोगी से निरोगी बना देंगे। दर्शकों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, लेकिन जाएंगे इसी वादे के साथ कि कल हम पुनः भेंट करेंगे अगले अंक में इसी समय
तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आरोग्य ब्रह्मांड, हमारा नंबर है 8010811811। बैंक अकाउंट नंबर है 02612000008481, कोटक महिंद्रा। IFC कोड है KKBK0000261, JMD रीजन स्क्वायर। हमारा पता है सतगुरु जनसेवा केंद्र, सतगुरु फार्म हाउस ऑपोजिट मारुति गेट नंबर 1, दिल्ली रोड, गुड़गांव। पिन है 12201। Thank you.